अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ में भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो रोड शो करेंगे, लेकिन उस सब के बीच में वो साबरमती आश्रम भी आएंगे। हमारे साथ मौजूद है धीमन बढ़िया, जो कि आश्रमवासी हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो परदादा हैं, उन्होंने गांधी जी को खादी बनाना सिखाया था। धीमन जी, जब भी कोई ऐसा जो है मेहमान आता, विदेशी मेहमान आता है, तो प्रधानमंत्री के साथ अगर यहाँ पर आते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? तो सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पर बापू का निवास स्थान है हृदय कुंज, वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। और हमारे आश्रम के जो साबरमती प्रिजर्वेशन मेमोरियल ट्रस्ट है, उनके ट्रस्टी लोग उनको सूत की माला पहनाते हैं। माला पहनाने के बाद में हृदय कुंज है, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 13 साल निवास किया था। जी जी। वो कस्तूरबा का कमरा है, बापू का कमरा है। ये विश्व में एक ही जगह है जहाँ पर सत्य और अहिंसा का बापू ने उनके जीवन में निर्वाह करके देश की आज़ादी के लिए काम किया तो था। सबसे पहले अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हम जाएंगे यहाँ पर जो ये निवास स्थान है बापू का, ये बापू का निवास स्थान है। लेकिन उससे पहले जो है, अगर आपको अंदर जाना है तो शूज़ हटाने पड़ते हैं, तो जूते उतारना यहाँ पर ज़रूरी होता है। और जो भी ये डिग्निटरीज आते हैं वो भी ये जूते उतार के ही अंदर जाते हैं। जो भी आएगा वो यहाँ पर बाहर जूते निकाल के फिर अंदर जाएंगे। तो जूते निकालने के बाद में ही हम अंदर जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। और धीमन जी, हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जब कोई भी डिग्निटरी आता है तो क्या कुछ होता है। धीमन जी, वो लोग यहाँ से आएंगे फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ से आएंगे फिर यहाँ जूते निकालेंगे। जूते निकालने के बाद ये परे है, यहाँ का बापू का प्रतिमा है। जी जी। ये बापू का प्रतिमा के ऊपर सूत की माला पहनाएंगे। फिर माला पहनाने के बाद में बापू का कमरा है, ये बापू का कमरा है। बापू यहाँ पर बैठते थे, देश विदेश के नेताओं के साथ विचार विमर्श करते थे। जी। और इसके अंदर जो चरखा पड़ा है ओरिजिनल है, बापू खुद चलाते थे। जी हाँ। और इस रूम देखने के बाद में, हाँ जी, बाद में आश्रम के ट्रस्टी लोग हृदय कुंज में, खंड है जी, पर ले जाएंगे कस्तूरबा के कमरे में भी आते हैं। जी हाँ, कस्तूरबा का खंड है यहाँ पर जी, जी देखने के लिए ले जाएंगे। कस्तूरबा का ये कमरा है, यहाँ पर लाएंगे फिर। उसके बाद में फिर ये मेहमान खंड है, यहाँ पर जो देश आएंगे बाप और बापू को मिलने के लिए। जी। तो छोटा है तो यहाँ पर खाली लेडीज लोग रहते थे। अच्छा, यहाँ पर जो लेडीज होती थी वो यहाँ पर है। जी नहीं, तो यहाँ पर जो है लाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से बाहर निकल के जो बगल में है वो रसोई घर है, कस्तूरबा आश्रम। ये रसोई घर भी है, तो यहाँ पर भी ये खुला होता है जब भी कोई डिग्निटरी आते, कोई भी वीआईपी आएगा तो ये खुला रहता है। यहाँ पर अभी तो ये ताला भले ही लगा हो, लेकिन ये रसोई घर है और यहाँ पर जो भी कोई जैसा विदेशी मेहमान आता है तो ये खुलता है। अच्छा, ये रसोई घर है, यहाँ पर कस्तूरबा आश्रमवासियों के लिए खाना बनाती थी। तो जो भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आएंगे तो वो इन चारों कमरों में आएंगे, वो चारों कमरों में जाएंगे। और उस टाइम का ये है जब बा और बापू यहाँ पर रहते थे तो पानी का मटका रखने का स्टैंड है यहाँ पर, ये ओरिजिनल है। आज तक इस अंदर इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, बापू ने बनाया था वैसा ही रखा है। जी जी। तो ये एक जगह हो गई, तो क्या यहाँ से वापस चले जाते हैं या और भी कहीं जाना होता है? नहीं, फिर और भी आगे इनका जैसा टाइम होता है जी, उस हिसाब से आगे जाते हैं। जो बापू की प्रतिमा बताई वहाँ पर जाते हैं, संग्रहालय वहाँ पर जाते हैं, फिर बगल में चरखा गैलरी है जी, अलग अलग प्रकार के मॉडल रखे हुए वहाँ पर भी जाते हैं। और उसके अलावा हमको जैसी जानकारी मिली है, रिवर फ्रंट के किनारे बैठ करके जो है चाय नाश्ता उनका वो लोग करेंगे। तो सामने जो है रिवर फ्रंट है और उसके ठीक जो सामने कुर्सियाँ लगाई गई है, कुर्सी लगाई है, चाय नाश्ता किया जाता है। अब वो करते हैं कि नहीं करते, उनको टाइम है कि नहीं है जी, उसके ऊपर इंतजाम किया गया है। हाँ, इंतजाम किया गया है वहाँ पर बैठने के लिए जी। फिर वहाँ से सामने की साइड में रिवर फ्रंट का उसका नज़ारा दिखाएंगे। जी जी। हाँ। तो अमूमन जो है, जब भी इससे पहले भी जो जितने भी इस तरीके से विदेशी मेहमान आए प्रधानमंत्री के साथ में, इस तरह से अमूमन जो है यहाँ पर रहते हैं, ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर सामने के साइड में एक टेबल रखते हैं, वहाँ पर वो विजिट बुक में अपना नॉन लगता है। यहाँ पर सामने एक टेबल रखी जाती है और वहाँ पर जो है विजिट बुक में उनका ओपिनियन लिखते हैं। जी जी। फिर आश्रम ट्रस्ट की ओर से उनको गिफ्ट में जो देने का होता है, चरखा देने का होता है, जो भी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग नक्की करते हैं। इस बार जैसी जानकारी मिली, चरखा दिया जाएगा, चरखा दिया जाएगा, शायद कुछ दूसरा भी मूवमेंट वो लोग देंगे जी जी। बापू का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए तो लेके फिर आगे निकलेंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है और ख़ासतौर पर अगर प्रधानमंत्री उसके साथ आ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम रहता है,
आते हैं सबसे पहले, उसके बाद में जूते उतारने के बाद में ये जो हृदय कुंज है जहाँ पर बापू जो है खुद बैठते थे, रहा करते थे, कस्तूरबा का कमरा या फिर उनकी रसोई, यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम रहता है। हालांकि उसके बाद में भी जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर रिवर फ्रंट के किनारे बैठ करके चाय नाश्ते का है, लेकिन वक्त के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। अगर वक्त है तो वहाँ बैठ करके जो है चाय भी पी जाएगी, कुछ नाश्ता हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो कार्यक्रम रहता है, जैसा कि धीमन जी ने बताया। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।